हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी और जुखाम होना बहुत ही नॉर्मल बात है और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिस वजह से उन्हें बहुत ही आसानी से सर्दी खांसी जुखाम हो जाता है। और इसका दूसरा रीजन होता है बदलते मौसम पर भी उनको सर्दी खांसी हो सकती है। प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी और जुखाम में राहत पाने के लिए आप घरेलू उपाय को बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि आपको सुबह उठकर एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू डालकर उसको आपको पीना है। इससे आपको गले की खराश में काफी ज्यादा राहत मिलेगी और आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आराम करें। और आपको अगर नींद आ जाती है तो आप बिल्कुल सो जाएं, इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप तुलसी शहद और अदरक वाली चाय जरूर पिए, ये आपके गले में बिल्कुल भी कफ नहीं जमने देगी। और आपको अदरक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। और आप तुलसी के 3-4 पत्ते लेकर उसका पेस्ट बनाकर एंड उसमें शहद मिलाकर बिल्कुल ले सकती हैं, इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक डालकर उसको सिप सिप करके पिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप नमक वाले पानी से बिल्कुल गरारा कर सकती हैं, इससे भी आपको गले में बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। एंड इसके अलावा आप अपने गले पर एंड सीने पर, और अगर आपके सर में दर्द होता है तो आप गरम सिकाई बिल्कुल कर सकती हैं, इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप सुबह और शाम को उठ के अपने आप को भाप भी दे सकती हैं, भाप लेने से भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। आपको एक बड़े बर्तन में गरम पानी लेना है एंड अपने मुंह पर टॉवल से ढक कर के भाप लेनी है। प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी और जुखाम होने पर आपकी भूख बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, तो इसके लिए आपको चाहे कुछ भी हो जाए खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना है। ऐसे में आप ताजे फलों का रस एंड सूप, और आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना है। जब तक आपको सर्दी खांसी और जुखाम है तब तक आप हल्का गुनगुना पानी बिल्कुल पी सकती हैं, और तरल पदार्थ आपके अंदर रहने वाले कफ को बहुत ही आसानी से बाहर निकालते हैं। और आप पौष्टिक चीजें जरूर लें, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, टमाटर और पालक का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि इन सब से आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा डेवलप होगी और आपको इन्फेक्शन से लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और आपको ऐसे टाइम पर 3 बार खाने की बजाय आप 6 बार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खा सकती हैं। और आप ताजा लहसुन खाएं, क्योंकि इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि आपके वायरस को खत्म करने में मदद करेंगे। और आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आपको ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जब तक कि आपको सर्दी खांसी और जुखाम रहता है। आपको दूध का भी सेवन नहीं करना है, और अगर आप दूध का सेवन करती हैं तो आप उसमें हल्की सी पत्ती और अदरक डालकर उसको खौलाने के बाद पी सकती हैं, इससे आपकी खांसी नहीं बढ़ेगी। प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी और जुखाम होने पर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको और आपके बच्चे को दोनों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आप सर्दी खांसी और जुखाम होने पर तुरंत ही उसका इलाज जरूर करें। एंड आपको कोई भी दवा बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेनी है। और अगर आपकी सर्दी खांसी और जुखाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही दिखाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।